वेलकम बैक। हाइड्रोजन से रिलेटेड आपके बहुत सारे सवाल रहते हैं कि अगर इसको ऑपरेट कराना है या उसके बाद कहीं ऐसा तो नहीं कोई दिक्कत हो जाती है या फिर उसमें पस पड़ जाता है या सूजन आ जाती है या कहीं ऐसा तो नहीं टाँके पक जाते। इससे रिलेटेड दूसरे और भी आपके सवाल हो सकते हैं, आई थिंक सो कि इस वीडियो में सारे कवर हो जाएंगे। कुछ ही पेशेंट ऐसा होता है जिनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं, यानी जहाँ पर टाँके लगे वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाए। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, माइट बी पॉसिबल कि पेशेंट ने ध्यान नहीं रखा, हाइजीन अपनी मेंटेन नहीं रखी, तो उस वजह से वहाँ पर इन्फेक्शन हो सकता है। लेकिन प्रॉपर अगर पट्टी हुई है और उसने अपनी हाइजीन को भी मेंटेन रखा है तो इन्फेक्शन होने के बिल्कुल भी चांसेस वहाँ पर नहीं होते। ये मुश्किल से 4 से 8% लोगों में ही ऐसा हो सकता है कि जिसमें इन्फेक्शन हो जाए, अदरवाइज मोस्टली सारे केसेस में बिल्कुल परफेक्ट तरीके से पेशेंट एक ही बार में ऑपरेशन में ठीक हो जाता है। दूसरा पॉइंट पेशेंट का ये रहता है कि क्या ऑपरेशन के बाद वहाँ पर सूजन और दर्द वाली कंडीशन भी रह सकती है। तो देखिए, दर्द और सूजन एक नॉर्मल फिनोमेना है और ऐसा तो मोस्टली जब जिस जगह पर एक कट लगता है तो उसमें दर्द और सूजन होना तो वेरी नेचुरल। लेकिन अगर उसको आप मैनेज करेंगे, यानी जैसा आपको बताया जाए आगे कि उस तरीके से अगर आप अपने आप को हैंडल करेंगे उस एरिया को, तो फिर ये पेन और स्वेलिंग से भी आप बच सकते हैं। लेकिन कुछ दिन यानी 8 से 10 दिन तक तो वहाँ पर हल्का पेन और हल्की सूजन आपको महसूस हो सकती है, लेकिन उसको काफ़ी हद तक आप रिड्यूस कर सकते हैं कुछ पॉइंट से जो आपको आगे बताए जाएंगे। ये बेसिक दो तरीके की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो कि प्राइमरी लेवल पर मानी जाती हैं, और अगर इसमें पेशेंट का थोड़ा सा अच्छा सा सपोर्ट रहे तो फिर इससे भी आप आराम से बच सकते हैं और इस तरीके की कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। इसके बाद एक पेशेंट का पॉइंट आता है कि कौन से काम हम कर सकते हैं कौन से नहीं, तो उसमें बेसिकली जो रनिंग है, स्विमिंग है या कोई वेट लिफ्टिंग है वो आप 2 से 4 हफ्ते तक नहीं करेंगे। हाँ, नॉर्मल वॉकिंग कर सकते हैं, वो आपके लिए बिल्कुल एडवाइजेबल है, और 2 से 4 हफ्ते तक अगर आप अपना ध्यान रखेंगे तो जो स्वेलिंग आने की पोजिशन है, जो दर्द वाली पोजिशन है, वो काफ़ी हद तक आप अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग ड्राइविंग करते हैं या किसी हैवी मशीन को ऑपरेट करते हैं तो उसमें भी उन लोगों को सलाह दी जाती है कि 1 से 2 दिन का आपको समय अपने आप को जरूर देना। साथ ही साथ आपका सवाल ये भी रहता है कि सेक्शुअल एक्टिविटी कब से स्टार्ट कर सकते हैं, तो उसमें 3 से 4 हफ्ते का समय आपको दिया जाता है कि उसके बाद ही इसको स्टार्ट करें तो ज़्यादा बेटर है, जिससे कि तब तक जो दर्द है, सूजन है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और रिलेशन बनाते समय आपको वहाँ पर पेन ना फील हो और आगे भी ये दोबारा हाइड्रोसिल ना हो जाए और दिक्कत ना हो, तो उससे भी आप आराम से बच सकें। हाइड्रोसिल में जल्दी रिकवरी हो और ये जल्दी ठीक हो जाए, इसमें आपकी प्रॉपर क्लोथिंग का बहुत बड़ा रोल है और उसमें आपकी अंडरगारमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके जख्म को ठीक करने में, क्योंकि वो आपके दर्द को कम करने में मदद करती है और आपको जो डिस्कम्फर्ट लगता है उसको भी कम करने में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको प्रॉपर अंडरगारमेंट का चुनाव करना है जिससे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। इसकी पूरी जानकारी ऑलरेडी मैंने इस वीडियो में दी है, इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जिससे कि आप प्रॉपरली इसके बारे में जान सकें। होता यह है कि ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स आपको सलाह देते हैं या तो आपको जॉकेट स्ट्रैप यूज़ करनी है जो कि कुछ इस तरीके की होती है, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये होती है ये डिस्कम्फर्ट रखती है आपके लिए क्योंकि आप इसे हर समय नहीं यूज़ कर सकते। दूसरा, इसमें पसीना एब्जॉर्ब नहीं होता, बल्कि इसकी जगह अगर आप ब्रीफ का इस्तेमाल करते हैं तो ये ज़्यादा कम्फर्टेबल होती हैं, ये आपका पसीना भी एब्जॉर्ब करती हैं। साथ ही साथ ये ऑपरेशन के टाइम में आपको मदद करेंगी, ये बाद में भी आपके लिए परफेक्ट रहेंगी जिससे कि आपको हाइड्रोजन की प्रॉब्लम दोबारा ना हो। इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, मैंने वीडियो में बताया है, आप उसमें देखिएगा तब आपको पता चलेगा। ये नॉर्मल अंडरवियर से ज्यादा बेटर होते हैं अगर रेगुलर बेसिस पे इनको इस्तेमाल किया जाए। जहां तक ड्यूरेशन की अगर आपकी बात है कि कब तक जॉक स्ट्रैप को इस्तेमाल करें, तो ये नॉर्मल 1 से 2 हफ्ते तक यूज करें तो काफी है। अगर आप ब्रीफ को इस्तेमाल कर सकें तो ये ज्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, क्योंकि अगर आप मान लीजिए गर्मी में या फिर कोई ऐसा मौसम है जिसमें पसीना आपको आ रहा है तो उसमें आपको ये सपोर्ट भी देगी, साथ ही साथ आपके पसीनों को भी सोख लेगी, तो ये डबल फायदा आपको वहां पर मिलेगा। इन दोनों में से कुछ भी अगर आप यूज करते हैं तो उसका बेसिक काम यही होता है कि आपके पेन को कम करना, आपके जो मूवमेंट्स हैं उनको कंट्रोल रखना स्क्रॉटम के, जिससे कि आपको डिस्कम्फर्ट वहां पर महसूस ना हो और जो हीलिंग प्रोसेस है वो जल्दी से और तेज हो। ऑल ओवर अगर हम देखें इस पूरे प्रोसेस में, तो जो अंडरगारमेंट्स आपकी है यानी जो क्लोथिंग है वो आपका बहुत बड़ा रोल प्ले करती है आपके टांकों को ठीक होने में, आपकी सूजन को घटाने में और जो डिस्कम्फर्ट है उसको ठीक करने में। यानी कुल मिलाकर कहना यह है कि अगर आप प्रॉपर क्लोथिंग का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके जो रिकवरी टाइम है उसको बहुत कम कर देती है और आगे इस प्रॉब्लम के दोबारा होने के चांसेस को भी घटाती है। तो इसको भी हल्के में आप ना लें कि आप ये सोचें कि हाँ ऑपरेशन के बाद सिर्फ दवाएँ या फिर जो हमने केयर कर रहे हैं वही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्लोथिंग भी बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करती है। तो आई होप सो अगर आप इन सारी चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो जो मन में आपके सवाल हैं कि हमें
हमें कहीं ऑपरेशन के बाद कोई दिक्कत तो नहीं हो जाएगी या किसी और तरीके की कोई समस्या तो नहीं हो जाएगी, तो वो सब समस्याएं आपको ना हो इसीलिए ये सारी केयर आपको बताई जाती है, जिससे कि आप जल्दी ठीक हो जाएं और आप फिर वैसे ही हो जाए जैसे कि आप पहले हुआ करते थे। इसके अलावा अगर आपके कोई डाउट हो तो जरूर लिखें, और जानकारी के लिए जो अदर वीडियोज़ में मैंने इन्फॉर्मेशन दी है उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिससे कि आप पूरी तरीके से जानकारी रखें और अपनी पूरी तरीके से केयर भी कर पाएं। तो मिलते हैं नए वीडियो में, सी यू नेक्स्ट वीडियो एंड बाय बाय।